गाइस, आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। आज खाना भी नहीं बनाया, सिर्फ नाश्ता किया है और अंडे का ऑमलेट और ब्रेड बनाया, उससे ही ब्रेकफास्ट कर लिया। और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है यहाँ पर, पता नहीं किस चीज़ का दर्द हो रहा है। आज काव्या की पीटीएम थी, वो भी मैं नहीं गई, उसके पापा ही गए। और स्कूल से कंप्लेंट भी आई है कि काव्या रिस्पॉन्स नहीं करती। अभी काव्या से बात करूँगी मैं कि क्या बात है, मीटिंग में मैं जाती तो मुझे पता चलता। और उसके पापा गए तो पापा ने बताया कि मैम ने यही बोला है, बस रिस्पॉन्स नहीं करती, बाकी ठीक है। और निको की मीटिंग में भी मैं नहीं जाने वाली हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और मैं रात को हॉस्पिटल जाने वाली थी लेकिन नहीं गई, क्योंकि मुझे लगा कि देख लेती हूँ एक दो दिन, क्या पता ठीक हो जाए पेन। लेकिन पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। और मैं हूँ बहुत ज़्यादा परेशान। तो अब बज रहे हैं, टाइम हो गया है 10, घर का काम शुरू करना है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है घर का सारा। हिम्मत भी नहीं हो रही काम करने की, लेकिन काम तो करना ही है। तो वैसे कर लेते हैं घर का रोज़ का काम डेली। जब आपको पता होता है कि घर में आप ही हैं करने वाले काम, तो आपको ही करना पड़ेगा, कोई और हेल्पर नहीं है, कोई और नहीं है काम करने के लिए, तो फिर आपको खड़े ही होना पड़ता है, चाहे आपकी तबीयत कितनी भी ख़राब क्यों ना हो। अगर आप एक औरत हैं, आप ये समझ सकती हैं आप फैमिली में हैं कि आपकी तबीयत कैसी भी हो, कितनी भी ख़राब हो, लेकिन घर का काम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई हेल्पर नहीं है। अगर आप अकेले रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में है, तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। कितनी लेडीज़ हैं जो मुझे कमेंट करके बता सकती हैं कि क्या आपके साथ भी यही होता है बिल्कुल, कि आप बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, आप उठ नहीं सकते, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, पेन हो रहा है कहीं पर, लेकिन फिर भी आपको उठना है और घर का सारा काम करना है, और आप करते भी हैं बिना ये देखे कि आपकी बॉडी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और आप काम करते रहते हैं। तो बताना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कि कितने लोग हैं मेरे जैसे, जो बॉडी उनकी फिट नहीं है, तबीयत ख़राब है, फिर भी काम करते रहते हैं अपने घर का। तो हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं खाना। तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है, दर्द हो रहा है एक्चुअली मेरे को। मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ पर दर्द है मुझे, ऐसे पसलियों के नीचे साइड में दर्द हो रहा है पेट में, पता नहीं क्यों हो रहा है, पता नहीं एक दो दिन और होगा तो चेकअप भी कराना पड़ेगा। पर आज मैं सोऊंगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि पता क्या, दिन में सो जाओ ना तो रात को दर्द भी हो रहा है थोड़ा बहुत, तो उसमें फटाफट आँख खुल जाती है। अगर आप दिन में नहीं सोए हो तो अगर दर्द भी हो रहा है तो नींद इतनी गहरी आती है कि दर्द आपको पता नहीं लगता और आप सोते रहते हो, और दिन में सो गए तो नींद पूरी हो गई, फिर रात को दर्द होगा तो आँख खुल जाएगी फटाफट, और फिर रात को नींद आती नहीं है ठीक से। कल भी रात को मुझे बहुत दर्द हुआ, फिर मेरी आँख खुल गई थी और फिर मैं जगती रही, इसलिए आज मैंने डिसाइड करा कि मैं सोऊंगी नहीं। कल भी नहीं सोगे? तुम लोगों को सोना है तो सो जाओ, तुम लोग पढ़ लो। बॉडी में बिल्कुल भी रिलैक्स फील नहीं हो रहा है, कुछ नहीं अच्छा लग रहा है। आज काव्या की पीटीएम थी और इसकी शिकायत भी आई है स्कूल से कि काव्या क्लास में बोलती नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं देती है। काव्या रिस्पॉन्स क्यों नहीं देती क्लास में? तो मैम ने ऐसे क्यों बोला कि ये रिस्पॉन्स नहीं देती? कुछ बोलती है, अगर इसे आता ना हो तो कुछ भी बोल दे तो
घर में तो बहुत मुंह चलता है तेरा। तू बातें करने में नंबर वन है क्लास में? हाँ। तू बातें करने के लिए जाता है क्या स्कूल? नंबर वन है क्लास में। पढ़ाई करने जाता है, बात करने जाता है? बैठ के खाना खाओ आराम से। बच्चों को सुला दूंगी फिर ये सोकर उठेंगे, 5 बजे इनके ट्यूशन जाने का टाइम हो जाएगा। पूरे घर की साफ सफाई होगी आज, दरी वगैरह सब धो दिए ऊपर, जो छत पे हम दरी बिछाते हैं वो भी धो दी है, काम तो सारा हो गया है। दिवाली से पहले इसका दरवाज़ा लगवा लेंगे। एक्चुअली हमारा टॉयलेट है, इमरजेंसी टॉयलेट बनवाया हमने, हम यूज़ नहीं करते हैं इसको, हमने स्टोरेज लाइक अ स्टोरेज हम यूज़ कर रहे हैं इसको अभी, और हमने बनवाया है कभी हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। नहीं, गंदगी फैलती है, आपको यहीं नहीं जाएगा। तो इसको हम बुढ़ापे में यूज़ करेंगे अपने, तब तक के लिए हम इसको स्टोरेज बनाएंगे। अभी इसमें दरवाज़ा लगाना है, जब पापा और मैं बूढ़े हो जाएंगे ना तो फिर हमसे चला नहीं जाएगा, पैरों में दर्द होएगा, फिर हम ऊपर नहीं जा पाएंगे टॉयलेट तुम्हारे कमरे के बाहर, तो फिर हम नीचे ही टॉयलेट चले जाया करेंगे। अभी दिवाली से पहले इसमें लगवा लेंगे हम लोग दरवाजा। तो बस गए 3:30, मैं नहीं सो रही हूँ क्योंकि अगर मैं सो गई तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आएगी, दर्द होगा, मतलब नींद खुल जाती है दर्द से तो फिर और नींद नहीं आती है, क्योंकि रात को जब हम सो चुके होते हैं दोपहर में, तो आज मैं नहीं सो रही हूँ और दर्द मुझे हो रहा है यहाँ पर, ये जो पसलियाँ होती हैं पसलियों के नीचे एक साइड में, राइट साइड में दर्द है, और दर्द ऐसा नहीं है जो लगातार होता रहे, मैं लेट गई हूँ एक पोजिशन में तो दर्द नहीं होगा, और दर्द मतलब हिलने से, खांसने से, तेज़ चिल्लाने से होता है, लेकिन वैसे दर्द नहीं हो रहा है। और माल भी लेकर आई थी मैं नया, जो कि रखा हुआ है यहाँ पे, देख रही थी मैं, आज सुबह दिखाऊंगी आपको, कुछ सूट्स हैं जो मैं लेकर आई थी जो आपको दिखाने हैं, मुझे रेडीमेड सूट्स हैं, बहुत अच्छे बहुत प्यारे सूट हैं, अगर आप भी ऑर्डर करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएंगे गाइस। लेकिन अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी आपको, इसके बाद में दिखाऊँगी ज़रूर आपको बाद में। तो गाइस मैं यहाँ पे काट रही हूँ सब्जी और आज बना रही हूँ मैं पनीर कैप्सिकम, पनीर कैप्सिकम की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी लगती है बच्चों को। पनीर के ऐसे पीसेस काट रही हूँ, आज समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाना है तो मैंने सोचा पनीर कैप्सिकम ही बना लूँ। और निकू के पापा आएंगे आज थोड़ा सा लेट और वो आएंगे खाना खाकर, तो उनके खाने की चिंता नहीं है इसलिए मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि निकू के पापा खाते नहीं हैं पनीर कैप्सिकम, उनको पसंद नहीं है। निकू वॉल्यूम कम कर लो। तो कट गई है मेरी सब्जी और यहाँ पे मैं जा रही हूँ सब्जी चौकने के लिए, टमाटर काटने हैं, खाली प्याज काट लिया मैंने, और ये जो सब्जी है ये बनी है पतीलू में, आप
वहाँ पे रख देते हैं। फोन हुआ, बना लेते हैं खाना वहाँ। और पनीर कैप्सिकम जो है वो बच्चों को भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। और निकू के पापा नहीं खाते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं है पनीर कैप्सिकम, तो इसलिए आज वो थोड़ा सा लेट आएंगे, लेट नाइट नाइट लगेगी उनकी थोड़ी सी, और 2:30 बजे आएंगे तो वो खाना बाहर से ही खा कर आएंगे। इसलिए मैं बना रही हूँ पनीर कैप्सिकम, क्योंकि उनके खाने की टेंशन हो जाती है, वो नहीं खाते तो फिर जो वो खाते नहीं है वो चीज़ मैं बनाती नहीं हूँ, कभी कभी बना लेती हूँ अलग से। और बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे टीवी, घर का देखो क्या हाल कर रखा है। ऊपर देखो इस हाथी है ना, ये वाला थोड़ा सा ग्रे सा कलर का था तो मैंने इसे पेंट कर दिया, इसको मैंने बना दिया डार्क ब्राउन, तो डार्क चॉकलेट कलर का कर दिया मैंने, अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और ऊपर सजा दिया है मैंने इसको, आप देख सकते हो तो सजा हुआ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हो गया मेरा तेल गरम और यहाँ पे मैंने काट के रख लिया है ये वाला थोड़ा सा बारीक प्याज, और यहाँ पे रख लिया है थोड़ा सा मोटा प्याज, और यहाँ पे रख लिया है मैंने कैप्सिकम छोटे छोटे पीसेस, और पनीर अभी नहीं काटा है, पनीर ज़्यादा नहीं लेकर आई हूँ मैं, आधा पाव ही लेकर आई हूँ। तो मैंने इसमें डाल दिया है छोटा वाला प्याज, ये पतीला बुरा लग रहा है आपको देखने में लेकिन बुरा है नहीं, एक्चुअली ये अच्छा है। हाँ ये काफ़ी पुराना है, ये मम्मी ने मुझे दिया है और थोड़ा सा पुराना है। इस पर डाल लेते हैं ये, फिर इसके बाद मैं डालूँगी ये, एंड आफ्टर दैट मैं डालूँगी टमाटो। तो टमाटो मैंने टमाटोज गाइस मेरे घर में फ्रिज नहीं है, आपको पता ही है, तो फ्रिज हम ख़रीदेंगे अभी दिवाली पर, हम लेंगे फ्रिज। ये मेरा टमाटर हो गया पिला पिला, सब बेकार सा हो गया, इसको मैं यूज़ कर लूँगी वरना ये बेकार हो जाएगा और भी ज़्यादा फेंकने वाला हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी पड़े हैं थोड़े से धोने के लिए, जो कि मैं अभी धो लूँगी वरना ये ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर डाल देते हैं प्याज को, यहाँ पर कर लेती हूँ फ्राई, डाल दी इसमें बड़ी वाली प्याज और इसके बाद ही मेरे को डालना है टमाटर। तो मैं टमाटर पे काट लिए मैंने टमाटोज, और यहाँ पे मेरा प्याज थोड़ा सा फ्राई हो रहा है। अंडे रखे हैं बच्चों, देखो येलो येलो वाला निकाल के रख दिया और वाइट वाइट वाला खा लिया, तो ये इसको प्याज को थोड़ा सा हल्के से अच्छे से फ्राई करेंगे, और कैप्सिकम डालेंगे इसमें। यहाँ पे मैंने डाल दिया है यहाँ पे टमाटोज, अब मैं डालूँगी यहाँ पे थोड़ा सा पानी, और इसी में पास सारे मसाले मैंने डाल दिए थोड़े से मसाले, और इसको अच्छे से करना है फ्राई। मसाला थोड़ा सा चमचे में चिपक गया था, चमचे पर पानी डाल देती हूँ, और यहाँ पे मेरा मसाला भी पक गया। ये है मेरा कैप्सिकम जो अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है 2-3 बार। पहले इस मसाले को ढंग से पकाएंगे, इसमें मैंने डाला है प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, और इसके अलावा मसालों, ये पिसे हुए मसाले में मैंने डाला है नमक, और डाली है रेड चिली पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, और डाला है धनिया, कोरिएंडर पिसा हुआ, और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके पका रही हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं इसमें डालूँगी कैप्सिकम जब ये मसाला अच्छे से पक जाएगा। तो ये अंडे बच्चों ने नहीं खाए हैं, अंडे मेरे को खाने हैं, अभी खाऊँगी थोड़ी देर में। यहाँ सामान ऑर्गेनाइज करके रख देते हैं जैसे रखा हुआ था, तेल की बोतलें, ऐसे मसाले को ढंग से पका देंगे और इसमें डाल देंगे कैप्सिकम। ये मैं कैप्सिकम इसमें डाल दूँगी, तो इसको थोड़ा सा हम पकने देंगे और उसके बाद हम डालेंगे पनीर। पनीर को पहले हम अच्छे से धो लेंगे क्योंकि पता नहीं लोग हाथ लगाते हैं, कौन कौन लोग हाथ लगाते हैं इसमें, इसलिए इसको